जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 23 मार्च, कहना चाहता हूँ पर 23 मार्च निकल नहीं रहा मुंह से। आज है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी को आज है मेरे भाई का 11वां मंथ का वाला बर्थडे, जो कि लास्ट बर्थडे है। और इस बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ा सा इस सनी डे में, और उसके बाद फिर हम लोग का एक टूर प्लान बन रहा है और फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वायु के साथ घूमे घूमे करते हैं। भाई वायु शुक्ला, आप क्या कहना चाहेंगे? आज तुम्हारा लास्ट बर्थडे है, इसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं होना है। बर्थडे हर महीने वाला भी साल में होगा। इधर देखो इधर। फिर ये बताओ भाई कि वायु आज तुम घूमने कहाँ जाओगे, ये बताओ। तो भाई ये देखो, वायु का हन्नू वन्नू हो गया है। अब वायु इसके बाद अपने केक कटाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और अभी वायु की केक कटिंग होगी। और अभी जिसके लिए मुझे उसके दुकान जाना पड़ेगा केक लेने के लिए। आज इनका मंथली लास्ट बर्थडे है, इसलिए इनका केक टैग वैग सब आना है। और फिर इनका नेक्स्ट बर्थडे होगा अगले 23 मार्च को, बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ। तो भाई अभी मेरा कैमरा जो है बुकिंग पे लगा हुआ था, तो अभी मैं अपना कैमरा लेके आया हूँ बुकिंग कैंसिल करा के, क्योंकि अभी हम लोग आज वायु का बर्थडे मना के घूमने जा रहे हैं। घूमने कहाँ जा रहे हैं, जब घर से निकलेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। ये बैठे हैं वायु नंगू, मम्मी मेहंदी लगा ली, घूमने जा रहे हैं। इनके बाल ना सफ़ेद लगे, नकली काले बाल, बस मौलनी ने किया कमाल। तो भाई अभी मैं घर से निकला हूँ अपनी गाड़ी को लेके, क्योंकि यार कल मेरी गाड़ी वॉश होके आई थी और काली गाड़ी है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक जाती है बाहर निकल रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं राहुल भाई की दुकान पे और गाड़ी को थोड़ा सा चमकवा लेते हैं जिससे अच्छी लगे, और गाड़ी को करते हैं घर के बाहर खड़ी। तब तक आ जाएगा मेरे बेटे वायु का केक, तो उस केक को करूँगा मैं उसके साथ सेलिब्रेट, केक कटिंग, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो भाई ये देखो वायु का केक आ गया, और यहाँ पे मम्मी लोग कर रही हैं तैयारियाँ। अभी ये केक कटेगा, पर देखना अभी देख रहा को। हाँ तो अभी कटवाएंगे ना, अभी रुक जाओ। तो भाई केक को अभी लगा देते हैं फ्रिज में, उसके बाद तैयारी करते हैं रूम डेकोरेशन। देखो करती हैं नू कि नहीं करती हैं, हट जाओ ली फ्रिज के अंदर, नहीं बंद कर दे भाई। यार फ्रिज गर्म है हमारी, ठंडी नहीं। तो भाई लोग ये देखो मेरा सारा सामान यहाँ पे पैकिंग हो रही, झोला मेरा खाली पड़ा है, मैं इसको उधर फेंकता हूँ पहले। और भाई ये जो गद्दा आप देख रहे हो ना, मैं इस गद्दे को जा रहा हूँ अपनी स्कॉर्पियो में डालने, देखते हैं आता है गद्दे कि नहीं। अगर ये स्कॉर्पियो में आ जाता है ना तो फिर भाई सब लोग लेट के जाएंगे, वरना सब बैठ के जाएंगे। तो भाई ये देखो गद्दा आ गया, अभी भाई हंस रहा है कि मेरे चाचू क्या कर रहे हैं, ये लुके हैं देखो, इनको बना देते हैं तुरंत लेबर। और अभी तुरंत गाड़ी पीछे से खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई ये देखो पहले यहाँ पे हमको सीटें करनी है अपनी फोल्ड, ऐसे नहीं इस प्रकार से, इसको फोल्ड कर दिया, अब उसको फोल्ड कर रहे हैं, पर यहाँ पे लंबाई थोड़ी कम लग रही, शायद नहीं आएगा। तो भाई ये वाला भी गद्दा, इसको ऐसे तोड़ देता हूँ और फिर उस सीट को तोड़ता हूँ, और इस शील्ड को भी अब फोल्ड में इस प्रकार से कर देता हूँ। हाँ यार, है ना, बैठेगा कल आदमी, ये दो सब लेटेंगे हम, भैया जागेंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे गद्दा इस प्रकार से आ गया है, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं अच्छे से कि इतनी जगह अभी इधर बच रही है। नीला वाला गद्दा मंगा लियो। तो भाई ये देखो यहाँ पे गद्दा पूरा एडजस्ट हो गया है, और अभी इस गद्दे को हम लोग ले जाएंगे अंदर, क्योंकि अभी पापा के पास एक गद्दा है, नीचे सामान रखेंगे और चेक करेंगे। नीला वाला गद्दा लो, नीला वाला है ना, जो नीचे हमारे वाले में बिछा है। कौन नीला वाला? अरे रुई वाला, वो इसमें आ जाएगा किनारे किनारे, बन जाएगा, आ जाएगा, ऊपर बिछा दो बढ़िया चदरा, है ना। तो कहाँ पे बैठ के नहीं देंगेगा, लेट के जाए आराम से। तो भाई यहाँ पे लग तो पूरा गद्दा गया था, लेकिन पापा ने अभी इसको मना कर दिया है कि ये काम नहीं करना है। तो फिर अभी हम इसको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं घर के अंदर, है ना। अरे सही कर देंगे, चलो अभी जो सामान रखेंगे तब सही कर देंगे। तो फिर अभी बंद करते हैं गाड़ी। तो भाई ये देखो मेरा पूरा सामान पैक हो गया, मेरे चार झोले, अभी पापा के भी कम से कम 2 से 4 झोले होंगे,
इस पे हमारे जूते आ गए, दो पे हम दोनों के कपड़े हैं, एक में वायु कपड़े हैं, ये रेडी खड़ी हैं एकदम। तो फिर चलते हैं बैक। अच्छा तो अभी जा रहे हैं इन सामान को गाड़ी में शिफ्ट करने। तो भाई ये देखो अपना पूरा सामान मैंने इस तरीके से अपनी गाड़ी के पीछे एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसके पीछे जो डिग्गी है उस पर थोड़ी सी स्पेस है, उस पर मेरा मम्मी लोग का सामान सारा आ जाएगा। तो भाई ये देखो वायु की गाड़ी भी रख ली है अपना मोड़ के, क्योंकि उसको गोद लेना पड़ता है जिससे होती काफ़ी दिक्कत। तो भाई ये बहू रखने में मेहनत लगी पूरा आराम से, सिर्फ हमारा अनुक सामान आया, मम्मी पापा का तो सिर्फ दो बैग हैं जो डिग्गी में आराम से आ जाएंगे। तो भाई ये देखो मम्मी लोग का भी बैग यहाँ से आ गया, आराम से डिग्गी बंद हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं बंद। हटो बेटा, तो ये अपनी डिग्गी हो गई आराम से बंद, इधर पूरा फुल खाली है। अब इसके बाद सीधे चलते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं। तो भाई वायु हो गए रेडी ब्लू पांडा बन के। उनकी बुआ देखो कैसे मुंह बना रही है, जब ये बड़ी हुई है ना तब देखी है कि कैसे छछूंदा टाइप के हम थे। ए वायु शुक्ला, बर्थडे होने जा रहा है ना, डे बर्थडे, डे बर्थडे। साले जूता दिखा रहे हो हरामी, उसका साले पगला साला, गिर ना जाओ। तो भाई मैं अभी चला गया था थोड़ा सा काम से अपने पर्सनल, क्योंकि और यहाँ पे वायु का डेकोरेशन हो गया है, देखते हैं। तो ये देखो वायु का डेकोरेशन हो गए हैं, वायु रोना भी बंद कर दी ने। क्यों भाई संकी, ये संकी लगता है, देखो देखो कुछ नहीं बोल रहा, देखो बोल नहीं रहा, कॉफी बोलने लगे, बड़े हैप्पी बर्थडे लिख दिया अनु, रेडी हो गए बैठी जाने के लिए, पर यहाँ केक कटना है अभी, तो फिर केक लेके आओ। तो भाई ये देखो वायु का बढ़िया सा केक आ गया, और वायु केक की तरफ लपक रहे हैं, और पिछली बार वायु ने केक को पूरा खराब कर दिया था हाथ मार के, अभी नजरे देख रहो सीधे केक के ऊपर है। बस इसको अगर हम छोड़ देना इसे तो देखना भी कैसे भगेगा, ये देखो भगा, देखो 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 देखो, और मैं इसको फिर खींच लूंगा इधर। क्यों भाई गुंगू साले केक खराब करने के विचार में हो ना, मुंह मार देंगे मुंह में। वायु का ग्यारह मन ये लिए था, वो रखी दोनों उसके ऊपर बैग के ऊपर। तो भाई देखो इनका 11 मंथ का कैंडल लगने जा रहा है, और ये 11 साल में भी इनके यही कैंडल लगेगी, क्योंकि 1-1 है, और वो वाला मंथ वाला मंथ मिला नहीं। तो भाई ये देखो वायु लोग बढ़िया सा, देखो ये बीर गिराया है कुछ, वायु बढ़िया। देखो इनका 11 नंबर कैंडल इस पे लगाया जाएगा, जो कि 11 साल के बराबर भी है और 11 महीने के। तो फिर अपनी अपनी सोच पे निर्धारित करता है ये कि आपने इसे किस नजरिए से देखा। तो आप बच्चे को देखते हुए 11 महीने ही होना चाहिए, 11 साल नहीं। ये देखो वायु के बाबा आ गए हैं केक कटवाने, ये केक लग गया, टैटू के लात मार दो टैटू गिरता नहीं। और इनके चाचू भी आ गए हैं, बिल्कुल इनके टैटू के तरीके लग रहे हैं, और ये भी टैटू तरीके लग रहे हैं, सब तीनों नीलू पांडा। तो गाइस देखिए यहाँ पे वायु का 11वां मंथ वाला मतलब कि बर्थडे कटने वाला है, केक वाला है, और ये देखिए केक कितना तो अच्छा है केक। अभी वायु शुक्ला इसको फूकेगा, पकड़ो 11 मंथ खत्म हो रहा है, इस वाले हाथ से पकड़ो, इस हाथ से पकड़ो, ऐसे पकड़ चकुआ, ऐसे पकड़ो, मुट्ठी बंद करो, ऐसे अब फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you dear Vayu, happy birthday to you, fabulous mu ba deta changu mangu jangu, tumne dono bujha di bahar lagwa dete, bujha ka di hat, bujha to 11 mahina khatam hoge, bujhi to gaya 11, aise nahi kaha jata, jai shri ram। to bhai ab क्या होगा पता है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब केक पटेगा और सब में कटेगा, सबसे पहले वायु जप जप करेंगे, अब देखो वायु को तोड़ देगा ना, पूरा हाथ मार देगा ये बीरा, बस बंद कर दे, बन गई रील पील पील। तो गाइस देखिए अभी कितना खुश होने वाला है वायु, वीर सीधा करके फोटो खींच दो पहले, वायु कैसे हंसने वाला, इसकी हंसी देखना तुम लोगों में, देखना देखना हंसी देखना इसकी, वो देखेंगे देखियो,
वायु शुक्ला, ओ वायु, वायु देखो कैसे लेटे हैं, इनका बर्थडे हो गया है, अब अगली बार होगा इनका धूम धड़ाके का बर्थडे, बिल्कुल फटाफट वाला मजा आ जाएगा। तो भाई देखो केक वितरण हो रहा है और सब लोग केक खा रहे हैं। कैसा केक है? बढ़िया है, ताजा। ये देखो, ये देखो कैसे अपना मुंह बना ली से, जिसका बर्थडे है। तो भाई लोग बर्थडे हो गया और अब हम लोग घूमने जा रहे थे, तो अब हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं ये अन्नु शुक्ला बताएंगे कि हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं। अन्नु शुक्ला बताओ कहाँ जा रहे हैं? वही जा, अभी तुमने कहा था, बताओ। हमने तो कहा था, कैमरे ने कहा था, पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी जम्बू, चलो बुलावा आया। कैसे मस्ती आ रही है ना, तो फिर चलते हैं। रात हो गई है, दोपहर से प्लान कर रहे निकलने का, पर अभी तक निकल नहीं पाए, तो अब फाइनली निकलने का टाइम आ गया है। अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है और हम लोग बाइक कार जा रहे हैं, तो फिर अभी चलते हैं। रात में खाना वाना खाएंगे, कहीं रुक के पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारी ट्रिप के पूरे मजे लीजिएगा। जतिन को नहीं ले जा रहा तो कह रहा सब गेट आउट हो जाए, सवाल मेरे घर से निकल जाओ। अभी ये थोड़ी देर रोने लगेगा, रुआसा है, रुआसा है, रुआसा है, रोने लगेगा। तो भाई ये मेरा कैमरा रखा हुआ, अपना कैमरा जरूर लेके जाऊंगा क्योंकि अच्छी अच्छी फोटो खींचनी है सबकी। जतिन बैटरी रखो यार भाई। क्यों, हम तो रोने वाले। अरे रखो यार मेरे कैमरे में बैटरी, बैटरी रखो यार। तो भाई ये देखो अपना बैक कैमरा ले लिया है और अब जा रहा है गाड़ी में। आओ भाई चलो सब लोग, इसको रखते हैं जाके बैग को गाड़ी में। तो भाई यहाँ ये अपना लेबर पैर छूता हुआ हम लोग को विदा कर रहा है। अपना भारत भी है यही, और ये पापा बउआ लेके बैठ रहे हैं। बैठो तुम लोग, चलो व्यूअर्स, ये लोग घर से इनको निकाल के खड़ी हैं। खुश रहो के पाए छू लियो, खुश रहो, ये लोग बहुत। तो भाई अब सब लोग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो वायु की चुम्मी ले रहे हैं चाचा, वो लेकिन बड़ा छतरी हो गया, दे नहीं रहा चुम्मी में। ये देखो पप्पी ले ली गई है। तो फिर सब लोग चलते हैं, जय माता की, जय माता दी। गाइस ये लोग जा रहे हैं फाइनली, बाय 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 बाय। ऑक्सीजन ले लिया, दूध तो मिलेगा नहीं रास्ते में, तो इलेक्ट्रोजन पिएगा। और ये उसकी इमरजेंसी की दवाइयाँ रख लिए और अपने लिए भी अंदर हमने दवाइयाँ ले ली। पीछे रख लो और ये इलेक्ट्रोजन अपना पीछे डाल दो, है ना, जब जरूरत हो तो निकालो पिलाओ। तो फिर अब फुल तैयारी हो गई है बिल्कुल, और अब हम लोग सीधे कंटिन्यू हाईवे पे चढ़ते हैं और सीधे निकलते हैं जम्मू के लिए नॉन स्टॉप। कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि नींद भी आएगी। ये अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, अब सीधा ऑन द वे जम्मू कश्मीर, बढ़िया भगवान के भजन सुनते हुए। तो भाई तो अभी हम लोग अभी इटावा पहुंच गए हैं और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और फिर इसके आगे से चलते हैं। अपना बाबू खेलने में लगा हुआ है। क्यों वायु, वायु 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 को किसी भाव नहीं देते हैं। भाई हम लोग अपने लिए खाने के लिए नमकीन लाए, इमली लड्डू लाए, पर ये खाने नहीं दे रहा। देखो कैसे सब उठा उठा के फेंक रहा, लुंडा और शैतान है। देखो मुंह देखो इसका, मुंह देखो घबरू, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। साले पीछे गिर गए ना, गिर जाइयो साले, सीधे हो जा, गप करो मम्मी, बहुत दुष्ट है। देखो लेगा नमकीन, लेगा नमकीन, लेगा नमकीन, लेगा। देखो पिकैया है, देखो देखो देखो, बुला लो बुला लो पापा, हो गया आओ। उन्हें नहीं मार दे करंट, पापा का मैं बोले तो मम्मी मार दे पापा करंट, पापा हम तो चुप, बहुत शैतानी करता है। सादे नहीं सदर आए हैं, देख ले, फेंक दिस नमकीन, देखो उठा मम्मी, फेंक दिस, तंदुरुस्त है। एक नंबर का शैतान है।
भाई चाय पी के आ गए और अब अपना रास्ते को फिर से कंटिन्यू रखते हैं। और छतरी राम बहुत छतरी हैं, ये सब देखो खा गया केले पूरी नमकीन और पापा के मुंह में लगाता है प्यार करने भाई। क्यों भाई कैसे प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो भाई, प्यार कैसे करते हो बता दो, ऐसे करके बता दो। क्या शानदार टोल प्लाजा बना है, कहो ज्यादा पैसा भी काटे ये देखो टोल प्लाजा कितना बढ़िया बना हूँ देखो देखो ये आगे से लेके घुमा के फिरा के पूरा रुपया इन फूक दिन में लगा था सब एक दिन में आ गए वापिस इनके तनी टोल बना हूँ देखो टावर लगा ही बढ़िया डिजाइन छत तक तक। तो भाई अभी 3:04 हो गए, सुबह हो गई है, मामू भी उठ गया है वरना सोता रहता जैसे गाड़ी रोको होटल ढाबा के बाद तुरंत उठ के बैठ जाता देखो 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 तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि भूख लगी नहीं थी और अब लगी है बहुत ही तेज की भूख। तो अब खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद यहाँ से आगे चलेंगे। हम लोग मल्ला ढाबा में रुके हुए हैं और यहाँ पे चाय मिली है कुछ बड़े बड़े कप, तो ये जो कप मिले इसमें मेरे पापा को पड़ता पड़ेगा क्योंकि हर जगह हुंडे में चाय मिलती जरा सी तो इनको पड़ता ही नहीं पड़ता है क्यों वो देखो इसको। ये देखो हमने एक स्पेशल थालू ऑर्डर करी थी तो हमारी स्पेशल थाली आ रही है, आ गई है मतलब आपको उन्नु खाना, मम्मी पापा से चाय पी रहे इनको भूख नहीं लगी है। हमारे खाने की थाली बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी है ना, कमी नहीं ना कोई, हमने नहीं खाई अच्छी है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, अब खाना खा के गेट ले बोतल है गिर गई, इतने टाइट टाइट गेट है इसके मंदरा के। तो भाई खाना आना खा लिया यहाँ पे आराम से और अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब सीधे जम्मू में पहुँचते हैं और वहीं पे रुकेंगे। तो फिर इसी के साथ मैं आज वायु के बर्थडे को लेकर और जम्मू तक के ट्रिप को पूरा ख़त्म करूँगा और आप लोगों को फुल वीडियो दिखाऊंगा। तो आगे इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं कितने खराब वीडियो बना रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय श्री राम।